जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। इसमें आपकी फ्रेंड जो वैकेंसी है वह आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और आप कब से अप्लाई कर पाएंगे, इसकी मोटिवेशन की कम्प्लीट जानकारी जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है उसकी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज गाइस आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस वैकेंसी के आप विज्ञापन की तरफ। नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है सर। थोड़ा और बड़ा कर दें, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, ठीक है, इंडियन आपको दे सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे सकते हैं 2022 रिक्रूटमेंट जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया इन्वाइट करता है एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट ऑनलाइन। आपका AI वेबसाइट पे आप जाके दे सकते हैं फॉलोइंग पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका जो वैकेंसी है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, मिनिमम आपके यहाँ पे एजुकेशन मांगा गया है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री 3 ईयर आपका साइंस से यानी BSc होना चाहिए आपका फुल टाइम रेगुलर विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स, या आपका दे सकते हैं फुल टाइम आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इन डिसिप्लिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स शुड बी इन वन सब्जेक्ट एज सेमेस्टर वाइज सर्कुलर, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आपको देखना है कैंडिडेट आपको सेल हैव मिनिमम प्रोफेंसी बोथ स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश आपको होना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए 10+2 स्टैंडर्ड तक, ठीक है। द कैंडिडेट सेल हैव टू, यहाँ पे सेल हैव पास इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट 10 या 12 स्टैंडर्ड, आपका 10 या 12 में आपका इंग्लिश होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं आपका कैटेगरी दे देगी डिसेबल के बारे में, जो कि आपका एसिडेटिक विक्टिम है। बाकी आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे रखा है, 400 वैकेंसी है टोटल, UR की 163, इकोनॉमिक सेक्टर की 40, OBC की यहाँ पे 108, 59 SC ST 4 और फिजिकल डिसेबल की 4 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आप इनके दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के बारे में यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे डिग्री शुड भी होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकोगनाइज डीम्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। जैसे दे सकते हैं IIT IIM XLRI और TIS ET रिकोगनाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परसेंटेज देखिए मिनिमम 60% होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। कैंडिडेट हैविंग BE/BTECH यहाँ पे अलाउड टू अगेंस्ट द पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बैचलर डिग्री, ठीक है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट प्रोसेस रिकॉग्नाइज एज पर द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन पार्ट ऑफ टाइम करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस यहाँ पे नॉट सेल नॉट सेल बी एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 आयु दे रखी है मैक्सिमम 14/7/2022 तक। यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है फिजिकल डिसेबल के 10 साल, 5 साल SC ST, 3 साल OBC के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेक्स सर्विसमैन के बारे में दे रखा है टाइम टू टाइम रहेगा अप टू इलेक्शन रहेगा 10 साल, 15/6 से आप आवेदन कर सकते हैं, 14/7 लास्ट डेट है। सैलरी यहाँ पे दे सकते हैं E1 कैटेगरी 40 से लेकर 1,40,000 तक। एमोलमेंट दे सकते हैं आपका ड्यूरेंस 30% बेसिक पे, बाकी HRA CTF ग्रेजुएटी उनके बारे में दे रखा है, ठीक है। ऑनली इंडियन नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट है फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है। कट ऑफ डेट आर फॉलोइंग अप्लाई द पोस्ट सब्जेक्ट कैंडिडेट यहाँ पे दिया मस्ट बी इन पोजिशन फाइनल रेट डेट ऑफ आपका वेरिफिकेशन तक आपका हो जाना चाहिए, तब तक आपके आपका रियल टेज जो है डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट इशू मार्केट डीम जो है एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन शैल बी नो रिलेक्शन इन दिस अकाउंट, ठीक है। एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट आपका ऑल एलिजिबल क्राइटेरिया 14/7/2022 तक, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज आपके बारे में जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पे आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका परसेंटेज आ रहा है 60% होना चाहिए, यहाँ पे 59.99% भी वो ट्रीट किएंगे 60% से कम, ठीक है। और बाकी आपकी डिटेल है यहाँ पे आप देखने मिले। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दे रखा है। यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल सिलेक्शन कैंडिडेट आल्सो अटेंड ICA लैंग्वेज मिनिमम प्रोफेंसी लेवल 4। यहाँ पर्पज इशू लाइसेंस और रेटिंग एनी कैंडिडेट हु इज नॉट एबल टू ICO प्रोफेंसी लेवल 4, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द बेसिक डिटेल फर्निश्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट
सेल बी कॉल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड इशू किया जाएंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड ऑनलाइन सेंड बी एलिजिबल कैंडिडेट ईमेल के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नो नेगेटिव मार्किंग है अटेंड बाई कैंडिडेट, ठीक। ऑनलाइन एग्जाम फॉलो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, कैंडिडेट ऑल्सो टेस्ट आपका जो साइकोटिक सब्सटेंस बिफोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इनके बारे में दे रखा है, तो ये क्या होता है साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे विल कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके जो प्रोसीजर है, यहाँ पे आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। बाकी अन्य जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपनी एडवर्टाइजमेंट की जानकारी भी पढ़ें। कैंडिडेट ऑनलाइन लिंक पे जाएंगे, अवेलेबल होगा उसकी वेबसाइट पर, कैरियर में जाकर वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको जाकर अप्लाई करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगी, आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना है। तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। एप्लीकेशन फीस और उसके बारे में दे सकते हैं 1000 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं 1000 पेड और कैंडिडेट एस सी एस टी फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे आपको 81 रुपये पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे बाकी आप दे सकते हैं उनके बारे में जानकारी दे रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, फोटोग्राफ आपको 3 महीने से पुराना कम पुराना होना चाहिए, ठीक है, 3 महीने के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे आपको देखिए इंस्ट्रक्शन देखा, हेड ग्लास डार्क ग्लास नहीं होना चाहिए, 20 KB से 50 KB, पिक्सल दे सकते हैं डायमेंशन 200x200 पिक्सल आप बना कर रख सकते हैं अभी से, ब्लैक पेन इंक होना चाहिए, साइन होना चाहिए व्हाइट पेपर 10 से 20 KB, डायमेंशन 140 से 160 पिक्सल। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, बिफोर सबमिट एप्लीकेशन कैंडिडेट ही शैल बी एलिजिबल टू नॉर्म, आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें उसके बाद ही अप्लाई करें, आपको सारी डिटेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो इसके बाद अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, बायलिंगुअल होगा, हिंदी अंग्रेजी में होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी जो वैकेंसी निकली थी आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। एडवर्टाइजमेंट आपको देखिए ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, कैरियर सेक्शन में जाकर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहा हो। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल बने रहे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।